हेलो स्टूडेंट्स माय नेम समरन आई एम फ्रॉम रेजोनेंस आज हम हमारे फोर चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर का नाम है ग्रीन लैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ग्रीन लैंड कहाँ पर लोकेटेड है कहाँ पे इसकी लोकेशन है मतलब कि ग्रीन लैंड किस एरिया में आता है ठीक तो है तो लोकेशन है लोकेटेड बिटवीन द आर्टिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन जैसे कि आप सबको पता है कि ओशन ocean, कितने ओशनस हैं हमारे हमारे यहाँ पे फाइव ओशंस हैं ठीक है उसमें से दो ओशन आर्टिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन उसके बीच में क्या है हमारा ग्रीन लैंड है ठीक है ग्रीन लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क किसका पार्ट है मार्क का पार्ट है, ओके? Okay? ये बिल्कुल अपोजिट है जैसे कि इसका नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन ये बिल्कुल अपने नेम से अपोजिट है मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है जैसे कि नाम है ना इसका ग्रीनलैंड, नहीं ये पूरा थोड़ा सा थोड़ा सा पार्ट है इसका जो समर्स आप मान सकते हो कि टू मंथ की समर होती है उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है लेकिन बाकी के टाइम पे यहाँ पे स्नो रहती है आइस रहता है मतलब कि इस ये आपको देखने में वाइट ट्रीट होगा लेकिन इसका नेम क्या है ग्रीन लैंड है द नेम ग्रीन लैंड वॉज गिवन बाय एरिक द रेड किसने दिया है ये नेम एरिक द रेड मतलब कि ग्रीन नाम दिया है इन ठीक है Greenland lies in the North Polar region, the part of the Earth which is extremely cold throughout the year. कहाँ पर है North Polar region मतलब के हम बात कर सकते हैं कि हमारी Earth है उसको दो part में divide कर रखा है किसने divide कर रखा है जो हमने first chapter में देखा था equator ने divide कर रखा है ठीक है Northern Hemisphere and Southern Hemisphere मतलब के हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारी Earth है ठीक है और ये वाला जो part है ये जो लाइन है ये है इक्वेटर की लाइन ये है ज़ीरो डिग्री पर और यहाँ ऊपर हमारा कौन सा है नदन हेमोसफियर नीचे है सदर्न हेमोसफियर यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल

लेके यहां वाला पार्ट टेम्परेड ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये फ्रिज ये वाला पार्ट यहां वाला पार्ट भी और यहां वाला पार्ट भी ग्रीनलैंड हमारा कहाँ लाई करता है नॉर्थ पोल वाले पार्ट में ठीक है तो बेसिकली ये इक्वेटर से दूर है पोल्स के पास है तो यहाँ पे थ्रू आउट दर क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि हमारे पोल्स पे क्या होता है हमेशा ठंड होती है ठीक है क्यों क्योंकि वो उसकी वहां पे सन की रेस नहीं पहुंच पाती है ओके okay. नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज दर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ये दुनिया का बड़ा बहुत बड़ा क्या है आइलैंड है और किसके बीच में है यह है आर्टिक और नॉर्थ सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी स्क्वायर किलोमीटर एक तो सबसे बड़ा क्या है आइलैंड है दूसरा कितना एरिया कवर करे हुए है ठीक है. सिटी क्या है नुक है फॉर्मली नॉन एज गॉड इसको क्या बोलते हैं गॉड इसको बोला जाता है किसको इसकी कैपिटल सिटी को बेफिन बे एंड द डेविस वेस्ट सेपरेट इट फ्रॉम द नदन आईलैंड टू ऑफ कैनडा जो बेफिन बे है और डेविस स्ट्रीट है ये इसको वेस्ट साइड से सेपरेट करती है किस सेपरेट करती है फ्रॉम नदन आईलैंड ऑफ कैनेडा बेफिन बे और डेविसको वेस्ट साइड से सेपरेट कर रही है किस चीज से सेपरेट कर रही है आईलैंड से नदन आईलैंड से किसका नदन आइलैंड कनाडा का द आर्टिक ओशन इज टू इट्स नॉर्थ एंड द ग्रीन लैंड सी इज टू इट्स ईस्ट जो आर्टिक ओशन है वो कहाँ पर है नॉर्थ साइड में है इसके ग्रीन लैंड के और ग्रीन लैंड सी है इसके ईस्ट साइड में मतलब के आर्टिक ओशन तो नॉर्थ में है और ग्रीन लैंड सी है इसके ईस्ट में द लेबरेडर सी इज टू इट्स साउथ नीचे की साइड कौन सा वाला सी है इसके लेबरेडर सी है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आपका जिसको मैंने अंडरलाइन किया है द मेजर फिजिकल फीचर ऑफ ग्रीनलैंड इज इट्स मैसिव आइस शीट जो मेजर इसका फीचर है फिजिकल फीचर है वो क्या है जो इसकी आइस मैसिव आइस शीट है मतलब कि शीट्स हैं यहाँ पर लेयर्स हैं किसकी आइस की अबाउट 81% परसेंट ऑफ द कंट्रीज लैंड सरफेस इज कवर्ड बाई आइस शीट कितना परसेंट एटी वन परसेंट ग्रीन लैंड का एटी वन परसेंट पार्ट किससे कवर है आइस शीट से कवर है तो आप एक चीज देखो कि जब ये पूरा आइस से कवर है तो बेसिकली इसका लुक कैसा होगा ये व्हाइट इन कलर होगा क्यों क्योंकि आइस और स्नो का कलर क्या होता है व्हाइट होता है लेकिन इसका बेसिकली नाम क्या है ग्रीन लैंड है ठीक है तो मतलब कि जो हमने यहाँ पे देखा इट इज एप्सुलटली अपोजिट टू इट्स नहीं मतलब कि अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट है वाइज तो अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट है सबसे पहले अपने माइंड में क्या बात आती है ग्रीन लैंड दैट मीन्स एक बड़ा हरियाली जैसा लैंड होगा ठीक है ग्रीन लैंड इसका नाम है लेकिन जब हम इसको देखते हैं तब हमें पता लगता है ये ग्रीन नहीं है ये वाइट इन कलर है ठीक है तो ये आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे थैंक यू सो मच